नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको चित्रकूट के राजापुर की ओर, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इकाई चित्रकूट ने बहुत ही धूमधाम से मनाया अपना प्रथम स्थापना दिवस। तुलसी बाबा की जन्मस्थली राजापुर धाम के बाबा पैलेस में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्र के निर्देशन पर चित्रकूट इकाई के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी, देवरवा व संयुक्त टीम द्वारा केक काटकर बड़े सौहार्दपूर्वक धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का प्रथम स्थापना दिवस। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, जय श्री राम, जय वो स्वामी तुलसीदास महाराज की। हम लोग उनके पवन धाम इस नगरी से मिला करते हैं और आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन, जो आपने इस विषय कर दिया, अपना समय निकाला। और आपके द्वारा प्रश्न किया गया कि आज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की जो बैठक है किस लिए की गई। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का आज प्रथम वर्षगांठ है और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद आज के दिन ही से गठन हुआ था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री देवेंद्र मिश्रा जी के निर्देशानुसार प्रदेश में हर जनपद में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से एक काट करके सभी पत्रकार साथियों के साथ मनाया गया। पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर के आप क्या कहेंगे? लगातार अभी गाजीपुर में एक महिला को जो है एक सभासद वार्ड के सभासद ने जो है बाल पीट करके काफ़ी नारा पीटा है और लगातार पत्रकारों के साथ लगातार एक फर्जी FIR फर्जी तरीके से फंसाने का षड्यंत्र और जो पुलिसिया का रवैया है इस समय जनपद में, उसको पहचान देंगे। देखिए, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद नींव है, वो नींव ही इस विषय को गंभीरता से लेते हुए रखी गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि जो देश का चौथा स्तंभ है वो स्वतंत्र है, लेकिन उसके कलम पे पहरा लगा दिया गया है। अगर आप सच्चाई आप लिखते हैं, खनन माफियाओं के लिखते हैं, भू माफियाओं के लिखते हैं, बड़े बड़े नेताओं के अधिकारियों के लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कई तरह के दुर्घटनाओं से, कई तरह के शोषण से, मुकदमों से आपको गुजरना पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद नियुक्त की गई और आप सब लोगों के सहयोग से प्रदेश के हर जनपद में संचालित है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो लोग यूनाइट रहे, संगठित रहे, साथ रहें। कहीं ना कहीं हमारे आपकी भी कमी है कि हम लोग साथ नहीं हैं, यूनाइट नहीं हैं, जिसका फ़ायदा दूसरों के द्वारा उठाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद पत्रकारों के हित के लिए हमेशा से आगे रहा है और भविष्य में भी आगे रहेगा। बात नहीं कि शोषण के लिए, फर्जी मुकदमों के लिए ऐसे परेशान किया जाता है, तो अगर ऐसा कभी कोई चमन कहीं पर आता है, कहीं पर कोई सदिशय आता है, तो सभी उसके लिए उसकी लड़ाई लड़ेगी, किसी पत्रकार साथी की लड़ाई निष्पक्ष लड़ी जाएगी। और बहुत ही ईमानदारी से जिस हद तक जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और अपने पत्रकार साथियों का पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार सुरक्षा परिषद पत्रकार सुरक्षा परिषद आपको बता दें कि प्रदेश के हर जनपद में संचालित है। आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र में भी, कई स्टेटों में भी हमारा है और लगभग 18,000 पत्रकार आज संगठन के साथ हैं। हम आपको बता दें कि अगर कोई हमारे पत्रकार साथियों को बेवजह छेड़ता है तो हमारी पॉलिसी है, पहले भी हमने कहा है कि हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हमारे पत्रकार साथी अपना काम करते हैं ईमानदारी से, सामाजिकता जो भी, जो समाज के जो सबसे लास्ट पायदान में उनकी खबर को कवर करता है और जिम्मेदारों के सामने रखता है। अगर उसके बाद भी हमारे पत्रकार साथियों को छेड़ा जाता है तो बता दें भाई, छोड़ेंगे हम भी नहीं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकारों का शोषण नहीं सहेंगे, पत्रकारों का शोषण नहीं सहेंगे।